एसिड रिफ्लक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि गले में आ जाता है। कल मेरी लेप्रोस्कोपी से सर्जरी हो गई है। ऑपरेशन के बाद मैं खाना भी खा रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, उसमें मुझे कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मुझे डर लगता था, वो डर भी मेरा दूर हो गया है और अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं अभी अच्छा हूँ, ना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। और सर्जरी के होने के बाद मुझे दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरा एक माह पहले ही ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरा नाम दीपक पाटिल, मैं MP से बुरहानपुर ज़िले से हूँ और मुझे एसिड रिफ्लक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो कि गले में आ जाता है। और इस संबंधित मैंने अभी यहाँ पे आकर डॉक्टर चिराग ठक्कर से अपॉइंटमेंट लेकर थोड़ा चर्चा करी और इसमें मैनोमेट्री एवं PH स्टडी का कोर्स पूरा किया। उसमें मुझे तकलीफ तो कुछ नहीं हुई, नाक से डाली जाती है जो भी नली, और इससे अभी 24 घंटे का टेस्ट था, ये मैंने पूरा कर लिया है। और इसके बाद जो भी होता है एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है ऐसा कुछ, तो उसमें जो सलाह रहेंगी डॉक्टर साहब की उस हिसाब से मैं ऑपरेशन करूँगा। और डॉक्टर साहब भी बहुत बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और इसी अनुसार मैं आगे जो बताएंगे वैसा कर पाऊँगा। मेरा मैनोमेट्री और PH स्टडी 24 घंटे का जो हुआ है वो होने के बाद मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि सर जी आपका इसमें एसिड रिफ्लक्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें जैसा पता चला कि भाई ऑपरेशन करना, सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है आपकी एज के हिसाब से, तो वो बेस्ट रहेगा। कल मेरी लेप्रोस्कोपी से सर्जरी हो गई है और उसके बाद मुझे थोड़ा आराम अच्छा लगा हुआ है। सर्जरी से कोई एसिड रिफ्लक्स हो नहीं रहा है और ना खाना गले में आ रहा है, तो सर्जरी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हुई है। ऑपरेशन से मुझे फ़ायदा तो हो गया है, जैसा खाने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हूँ और चल फिर रहा हूँ मैं, तो इससे मुझे कोई घबराहट भी नहीं हो रही है। ऑपरेशन के बाद मैं खाना भी खा रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, उसमें मुझे कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब मुझे डिस्चार्ज दिया जा रहा है हॉस्पिटल से और उसके बाद मुझे खाने पीने में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो मेरा ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली रहा। मुझे डर लगता था, वो डर भी मेरा दूर हो गया है और अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मुझे यहाँ पे आने के बाद मेरी मैनोमेट्री टेस्ट हुआ, उसके बाद PH स्टडी हुई, उसी के अंदर मुझे सर्जरी की सलाह दी गई डॉक्टर साहब द्वारा। और अभी मेरी सर्जरी होने के बाद मैं अभी अच्छा हूँ, ना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। और सर्जरी के होने के बाद मुझे दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया और अभी मैं फ़िलहाल अच्छा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खाना भी सही खा रहा हूँ, खाने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और उसके बाद मुझे फॉलोअप में बुलाया गया, उसमें मैंने मेरा अच्छा रहा सब कुछ और इसमें ऐसी कुछ घबराने जैसी बात भी नहीं है। और आगे चल के जैसा किसी को कुछ शिकायत आती है ऐसी रिफ्लक्स या किसी की, तो सर के पास आकर अपना चेकअप करवा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तो मैं घूम भी रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ना तकलीफ है ना कुछ है, बहुत बढ़िया लग रहा है, आराम हो रहा है। मेरा नाम दीपक पाटिल, मैं MP से, मेरा एक माह पहले ही ऑपरेशन हो चुका है जनवरी माह में और उसके बाद मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अभी मैं सब कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ जो पहले जैसा है, पहले जितना खाता था उतना ही खा पा रहा हूँ अभी भी, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना खट्टी डकार आ रही है, ना एसिड ऊपर आ रहा है कुछ गले में, ना जलन हो रही है सीने में, और मुझे अभी खाना खाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। पहले जैसा मैं खा पाता था वैसा अभी भी खा रहा हूँ और कोई
परेशानी नहीं रही हूँ और मैं अभी फॉलोअप में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाचन समस्या संबंधित और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।